और कुछ तो हमारे क्या कहते हैं लोग मोबाइल से बना घंटे पूरे परिवार के साथ इस समय हमारे साथ मौजूद है। हम सीधे काम करते हैं सफदा से। सफदा, सबसे पहले तो आपको कंसर्न न्यूज़ की तरफ से बधाई हो कि आपने इतना बढ़िया रैंक लेके आए हैं। इस तरह से तैयारी की और उसके लिए आपने कहाँ करते हैं? मैंने अपनी तैयारी अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में स्टार्ट कर दी थी और इसके लिए मैं अपना पूरा जो क्रेडिट है वो अपने मम्मी, अपने पापा, अपने भैया, अपनी दादी के आज तक जितने भी टीचर्स ने पढ़ाया है। आज मेरा सिलेक्शन MBBSE 2017 में रैंक 1 आई है और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और इसकी जो मैंने तैयारी थी ये अपने फाइनल ईयर से स्टार्ट करी थी कॉलेज के, और कॉलेज के साथ साथ ही किया था। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा DSP में सिलेक्शन हुआ था, ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मतलब रैंक 1 आ जाएगी। ये उम्मीद थी कि शायद सिलेक्शन हो सकता है। मैंने केवल एक ही पोस्ट भरी थी डिप्टी कलेक्टर की, तो टॉपर बनने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैं मेरी जो खुशी है वो डबल हो जाती है इस वजह से कि मेरे मम्मी और पापा और मेरा भाई और साथ में मेरी दादी, ये सब की जो खुशी है, इनकी खुशी देख के मेरी खुशी दुगनी हो गई है। और इनको गौरवान्वित करने का जो खुशी है, मुझे नहीं लगता ये हर बच्चे को महसूस करनी चाहिए एक ना एक बार, अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने टीचर्स को एक बार प्राउड फील करा के। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इसका क्रेडिट मैं अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को देना चाहती हूँ। आगे क्या करना चाहिए? आगे जो मेरा लक्ष्य रहेगा वो अब इसी प्रशासनिक सेवा में आगे बढ़ने का एज एन IAS ऑफिसर। तो अब मेरा अगला जो लक्ष्य है वो एक IAS बनने का है।